दोस्तों, आप में से जिन भी YouTube क्रिएटर्स का चैनल मोनेटाइज हो चुका है और जिनको भी अर्निंग होना स्टार्ट हो चुका है और उनकी अर्निंग अगर Google AdSense में जा रही है, तो आपको भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपकी जो YouTube की पेमेंट लास्ट मंथ आई थी वो आपको अलग दिखाई दे रही है और जो अभी की पेमेंट आपको YouTube से मिली है इस महीने की वो आपको अलग दिखाई दे रही है। और अगर आपका पेमेंट $100 से ऊपर पहुंच चुका है बट आप उसको पे आउट नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये दिक्कत आपको क्यों आ रही है, ठीक है, और इसका सोल्यूशन क्या है वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं लाइव अपने स्क्रीन पर कि यहाँ आप देख सकते हो मेरी एडसेंस में जो अमाउंट है वो आपको शो हो रही है और जो मेरी यूट्यूब की अर्निंग है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ऐसे में आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हो कि मैं पे आउट नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत ये आ रही है, यहाँ पे दो अकाउंट्स क्रिएट हो गए हैं, गूगल एडसेंस का और यूट्यूब की अर्निंग का। तो यहाँ पे दोनों ही जो है अलग अलग है और दोनों में अमाउंट अलग अलग शो हो रही है, तो मैं अपना पे आउट नहीं ले पा रहा हूँ। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें ये आखिर प्रॉब्लम को फेस क्यों करना पड़ रहा है, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है गूगल एडसेंस में, क्या ये यूट्यूब का कोई नया अपडेट है या फिर यूट्यूब ने कोई चेंजेस कर दिए गूगल एडसेंस में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड, गूगल एडसेंस से रिलेटेड और अदर टेक्निकल इश्यू से रिलेटेड वीडियोज की नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि यह कोई YouTube का नया अपडेट नहीं है क्योंकि यह प्रॉब्लम आ रही है आपको Google AdSense में। तो सीधे तौर पे आप समझ सकते हो यह जो अपडेट है यह Google AdSense में आया है ना कि YouTube में। अब यहां पे Google AdSense में आखिर ये अपडेट आया क्यों है और क्यों आखिर Google AdSense ने इस अपडेट को डेवलप किया है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि Google AdSense से आप YouTube की अर्निंग करते हो, यह आप सबको पता होगा जो भी YouTube से अर्निंग कर रहे हैं या जो नहीं करते उनको भी पता ही है। लेकिन सिर्फ Google AdSense से आप YouTube पर ही अर्निंग नहीं कर सकते हो, YouTube से जो अर्निंग आपको मिलती है वो Google AdSense में सिर्फ YouTube की ही नहीं आती है बल्कि और भी प्लेटफॉर्म से अर्निंग की जा सकती है, जैसे कि वेबसाइट से, ब्लॉग से या फिर कोई एप्लीकेशन डेवलप करके आप उस पर भी एड शो करके अर्निंग कर सकते हो। तो और भी तरीके हैं अर्निंग करने के। तो यहाँ पर इसी वजह से Google AdSense में अपडेट लाया गया है कि जो भी यूजर्स अगर किसी वेबसाइट से, ब्लॉग से या किसी एप्लीकेशन से अर्निंग कर रहे हैं तो उनकी अर्निंग आपको अलग शो हो और जो आपकी YouTube की अर्निंग है वो आपको अलग से शो हो। तो यहाँ पे इस वजह से ही अपडेट लाया गया है, इसी वजह से बहुत से क्रिएटर्स को दिक्कत भी हो रही है। यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि हमें तो YouTube से ही अर्निंग हो रही है तो फिर हमारी YouTube की पहले वाली अर्निंग अलग क्यों दिखाई दे रही है और हमारी अभी की अर्निंग अलग क्यों दिखाई दे रही है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही ये नया अपडेट लॉन्च हुआ था AdSense में और जब से ये मतलब लागू हो गया ना, तो तब से यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम के तौर पे आप मान सकते हो कि ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे Google AdSense की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपकी पहले की अर्निंग को आपको अलग शो होगी और अभी की अर्निंग आपको अलग शो होगी। यहाँ पे पहले की भी अर्निंग आपको YouTube की अर्निंग में ही शो होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बग आप कह सकते हो या फिर एक नया अपडेट जो भी लॉन्च किया गया है उसमें कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, क्या हमारी पहले की अर्निंग अब मतलब पेंडिंग रह जाएगी वहाँ पे क्योंकि इंक्रीज हो नहीं पाएगी अगर आप कोई थर्ड पार्टी सोर्सेज से अर्निंग नहीं कर रहे हो तो वो अर्निंग इंक्रीज ही नहीं होगी और जब इंक्रीज नहीं होगी तो $100 हुए बिना आपको पे आउट भी नहीं मिलेगा, ये सब आप जानते हैं। इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हम कुछ कर सकते हैं या फिर Google AdSense ही कुछ करेगा। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मैंने डायरेक्टली YouTube की टेक्निकल टीम से बात की, वहाँ मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और ये जो प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें मेरा जो पहले का अमाउंट है Google AdSense में वो मुझे कैसे मिलेगा या फिर क्या वो अब फ्रीज हो गया है, वो मुझे नहीं मिल पाएगा, मतलब क्या सोल्यूशन है कुल मिला के। सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आराम से डिस्कस की उनके साथ और उन्होंने मुझे इसका जवाब भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया। दोस्तों, जैसे कि अभी आप लाइव स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो भी हमारे बीच चैटिंग हुई थी वो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड कर ली थी और अभी आप लाइव देख सकते हो कि मैंने उनसे क्या चैटिंग की है। मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने मुझे बताया कि एक नया अपडेट है जिसमें कि आपको Google AdSense की अर्निंग अलग दिखाई देगी और YouTube से हुई अर्निंग अलग दिखाई देगी, ये आपको पता ही है। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मेरी पहले की अर्निंग थी वो मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने सारी चीज़ों का जवाब दिया। उन्होंने मुझे बताया कि जो आपकी पहले की अर्निंग है ना वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपको अलग दिखाई दे रही है लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो है काम YouTube की टीम कर रही है लगातार और जैसे ही ठीक हो जाता है आपकी पहले की जो अर्निंग है वो आपके YouTube अकाउंट में सेटल कर दी जाएगी, आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और जैसे ही वो आपके YouTube के अकाउंट में Google AdSense में शो होने लगती है और आपका जो अमाउंट है $100 से ऊपर हो जाता है, $150 हो जाता है, तो ऐसे में आप उसका पे आउट भी ले सकते हो। आपको थोड़ा सा वेट करना है, हालांकि उन्होंने मुझे ये टाइम नहीं बताया कि कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कब तक ये टेक्निकल इशू खत्म कर दिया जाएगा, उन्होंने इसका मुझे फिक्स डेट नहीं बताया। लेकिन
बहुत जल्द ऐसा हो जाता है, अगर इस मंथ नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ ये चीज़ हो जाएगी और आपका जो भी अमाउंट है वो डूबेगा नहीं, फ्रीज नहीं होगा, वो आपको सेटलमेंट कर दिया जाएगा आपके यूट्यूब के अकाउंट में, अगर आपने यूट्यूब से अर्निंग की होगी तो। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर रेगुलर मिलती रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।